हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली हमारा केरला का टूर पूरा हो गया है। चार दिन हमने कंप्लीट किए, दो दिन अष्टमुरी में, दो दिन पुवार में, और उसके बाद यहाँ का दिन कंप्लीट करने के बाद, हर जगह देखने के बाद, हम अब नई लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। नई लोकेशन है हमारी कन्याकुमारी, भारत का सबसे निचला हिस्सा, सबसे लास्ट बॉर्डर। तो देखते हैं, पहुँचते हैं। बचपन से हमेशा सुनते आए थे कन्याकुमारी कन्याकुमारी, अब वहाँ पहुँच कर वहाँ का माहौल लेंगे, वहाँ की ब्यूटी को अपने अंदर रखेंगे और एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। फाइनली बाय बाय फ्रॉम रिजॉर्ट। ये पैलेस है केरला से कन्याकुमारी जाने के बीच में, ये पैलेस पड़ता है। बहुत पुराना पैलेस है, इसका आर्किटेक्चर देख करके भी आपको समझ में आ जाएगा, पूरा लकड़ी का बना हो। चले अंदर। ये पुराने बर्तन हैं। जब वहाँ पे दुर्गा पूजा होती थी, क्या कह रहे हो? अरे राजा लोग जब रहते थे, मैं आपकी रानी होती हूँ, तो वहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं। और यहाँ पर टीपू सुल्तान आक्रमण करने के लिए आया था, तो राजा ने उसको डिफीट कर दिया। यानी इतने सारे कमल हैं, पूरा का पूरा उसमें, वाह, सारे कमल थे पूछी, इतना बड़ा पॉन्ड में सारे कमल थे। खेती करते होंगे इसमें कमल की? हाँ, कमल की खेती करते होंगे। नहीं, काफी बड़ा पॉन्ड था यार। हाँ, तो बड़ा पॉन्ड रहा होगा, उसको बना लिया होगा उसी पर्पस के लिए। हाँ, ये कन्याकुमारी का रास्ता है। हाँ, अब हम कन्याकुमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो कुछ ही, फाइनली हम अंतिम छोर पे आ गए भारत के। जाना
हमारा सफर देख लो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ आ गए हम। कन्याकुमारी लास्ट बीच के किनारे Yes. पूरा गाड़ी से नाप दिया हमने। बस 2 मिनट में हम बीच पे भी पहुंच जाएंगे। कैसा फील है ना देखो आसमान तक। मतलब ये हमारे देश का अंतिम छोर है यार यहाँ कन्याकुमारी। इसके बाद टाटा बाय बाय भारत। फाइनली मुंबई से चलते 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 हम अपने भारत के आखिरी छोर तक कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। ये देखिए सामने आपके कन्याकुमारी बीच है। इस रास्ते से हमने एंट्री की है और ये यहाँ से बीच की एंट्री है। अच्छी आ गए तो भैया फाइनली पहुंच गए हैं हम कन्याकुमारी, भारत का अंतिम बॉर्डर। और सामने आप देख रहे हैं ये स्वामी विवेकानंद स्मारक है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने बैठ कर के ध्यान किया था। और थोड़े टाइम पहले हमारे मोदी जी भी आए थे, प्रधानमंत्री हमारे। और इसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं, तीन सागरों का, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। चारों तरफ आप देखेंगे ये संगम है, तीन तरफ के समंदर आकर के यहाँ पर मिलते हैं। ये सामने गांधी स्मारक है और इधर कन्याकुमारी टेम्पल है। कन्याकुमारी एंजॉय कीजिए। हवा, ये
स्टैचू पानी के बीच में, अमेरिका अमेरिका में स्टैचू बने हुए हैं, ऐसे बहुत से स्टैचूज बन गए हैं और हमारे देश को नई पहचान दिला है। और अपने हिंदुस्तान के आखिरी छोर पे वो कैसा फील हो रहा है? कमाल का फील हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि बस इसके बाद इंडिया के, अगर एक कदम और बाहर रखेंगे तो इंडिया के बाहर चले जाएंगे। तो फाइनली जाना आप आ गए, हाँ, अपनी धनों को चला चला के और अपनी बसंती को साथ लेकर। धनों का साथ है, गुरु का साथ है, आपका साथ है, जो दूर आ गए बिना कोट ड्राइवर के आगे से बात। कोट ड्राइवर तो चाइना मैं हूँ आपकी। आप जितनी देर ड्राइव करते हो मैं उतनी देर देखो अलर्ट रहती हूँ आपके साथ। वाइपर से मुझे दोनों तरफ का मिरर साफ करना पड़ता है। दोस्तों शाम हो गई है और आप देख रहे हैं धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा होता जा रहा है। पीछे हमारे पिता स्मारक है, स्वामी विवेकानंद। हाँ स्वामी विवेकानंद। अरे यार मेरी एक्चुअली हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत खराब है, मैं पढ़ने में बड़ा कमजोर था, फिर मुझे एक DU टॉपर मिल गई और मुझे दुनिया का ज्ञान हो गया। इन्होंने कुछ ऐसी बात की थी, एक जोक मारा था, मेरे माइंड के साइड बैक में वही चल रहा है। लेकिन हाँ हम लोग लास्ट पॉइंट पर है, इंडिया के लास्ट छोर पर है, उसकी खुशी, उसका लगता मुझे नशा चढ़ गया है। ये खुशी है ना कि यार मैंने मतलब पूरा भारत दर्शन कर लिया है, कि दक्षिण भारत कर लिया, नॉर्थ में भी मैंने बहुत कुछ घूमा हुआ है, अभी बहुत सारी जगहें बची हैं, लेकिन मैंने दक्षिण भारत फतेह कर ली यार आज मैंने। और मैं यहाँ पर मतलब मैं इस धरती को सच में प्रणाम करके जाऊंगी। और यहाँ पे ये पीछे आप देख रहे हैं विवेकानंद है, उन्होंने यहाँ पर सच में ध्यान किया था, तब किया था। और यहाँ पे हमारे मोदी जी भी आए हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, यही कोई उनकी उम्र रही होगी कोई 34-35 साल, और वो इस वक्त भी आए थे क्योंकि यहाँ पर आना ही चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ओके गाइस, हम लोग समंदर के किनारे से होकर के बगल में ही कन्याकुमारी टेंपल है, वहाँ आए हैं, लाइन में लगे हैं, देखते हैं अगर अंदर रिकॉर्डिंग को मिला तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे। मंदिर में दर्शन हो गए माँ कन्याकुमारी के, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मंदिर दिखा नहीं पाए। आप मंदिर के प्रांगण को देख सकते हैं एंड भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ कन्याकुमारी की। दोस्तों कहाँ से शुरुआत करूँ ये तो मुझे नहीं पता। पहले बहुत एक्साइटेड थी कि हमने एक यात्रा शुरू की अपने घर से, एक दिन अचानक से ही, और देखो आज भारत के एकदम लास्ट पॉइंट पे हम हैं। उस चीज़ की तो एक्साइटमेंट थी कि इस धरती को तो चूमना है, लेकिन इस धरती की और एक बात है, समंदर के किनारे ही माता रानी माँ पार्वती का टेंपल है, माँ कन्याकुमारी का टेंपल है। और वो माँ कन्याकुमारी कौन है?
उमा कन्या कुमारी माँ पार्वती हैं, भगवती अम्मा माँ पार्वती अम्मा समझा रही है सबको, सेल में देखा जाएगा। पार्वती माँ इतने छोटे से स्वरूप में, बाल रूप में, किशोरी रूप में, एक छोटी सी बच्ची एक ऐसे खड़ी हुई है ना, और माँ का स्पेशली कि माँ के यहाँ पर और एक यहाँ पर माँ के हीरा लगा हुआ है, माँ स्वयं वो है, किसी ने उसको स्थापित भी किया है, माँ स्वयं प्रकट हुई हैं, उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। बहुत छोटी सी मैं आपको बताती हूँ और मुझे पता है आपको भी सुनना होगा। माँ ने यहाँ पर तपस्या की थी शादी के लिए, किससे? भगवान शंकर से। और जब भगवान शंकर ने, पता है ना, माँ पार्वती ने बहुत टाइम तक तपस्या की थी, भगवान शंकर ने बड़ा भाव खाया मैं इसको इस तरह से बोल रही हूँ, तो माँ अंदर आ गए और माँ पत्थर के बन गए। तो माँ ये स्वयं प्रकट हुए हैं और माँ के यहाँ पर और यहाँ पर हीरा है। इनफैक्ट जहाँ पे माँ ने तपस्या की वहाँ हम कल जाएंगे, वहाँ पे माँ के चरणों के निशान भी हैं। नहीं, माँ शिव जी से जब मिली तो उन्होंने, शिव जी ने बोला कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तो माँ ने 3 शर्तें रखी उनसे पूरी करने के लिए, और शिव जी वो शर्तें पूरी करने के लिए गए। शर्त ये थी कि वो शर्त पूरी करना है सुबह जब मुर्गे की बांग बजेगी उससे पहले, और शिव जी आ रहे थे रास्ते में, वो पहुँच ही जाते, लेकिन रास्ते में ही नारद मुनि जी ने मुर्गा बन करके बांग दे दिया समय से पहले ही, और वो सोचे कि हम समय पर नहीं पहुँच पाए हैं और अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी, और शिव जी वहाँ पर पहुँच नहीं पाए समय से, और माँ आ करके इस स्थान पर उन्होंने अपना रूप जो था वो पत्थर के रूप में स्थापित कर लिया। ये एक कहानी है माँ की, देखा कितनी सारी कहानी है, और जो मैंने बताया था वो दूसरी कहानी है। एक ही कहानी के 2 स्वरूप हैं, लेकिन यहाँ भगवती माँ किशोरी रूप में है, किशोरी हैं उन्होंने यहाँ पर माँ का, क्योंकि वो अवस्था है जिसमें उनकी शादी नहीं है, वहाँ बहुत खूबसूरत लग रही है। और अगेन चंदन का श्रृंगार है, और यहाँ पर जो हीरा दमक रहा है उसका तो कहना ही क्या, ऊपर से उसके दिए की ऐसे लौ जगमगाती है, वो ग्लो में आपको शब्दों में नहीं डिफाइन कर सकती। मैं जितनी देर दरबार में थी मैंने उतनी देर बस, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं और कितने भाग्यशाली हैं आप जो हम माँ का वर्णन कर रहे हैं और जिन माँ का मैंने आँखों से दर्शन किया। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी चले गए, हर जगह, हर पत्थर पत्थर में, हर कण कण में शंकर है, लेकिन वो जब शंकर और जब वो देवी साक्षात कहीं ऐसे चलते चलते मिल जाए ना, तो ये दिल कितना भर जाता है मैं आपको बता नहीं सकती। जितना इस समंदर में पानी है उतनी कृतज्ञता मेरी है अभी देवी माँ के लिए। और सबसे बड़ी बात, माता रानी ने हमें एक बार नहीं, अगेन भागे हैं, थैंक यू मम्मी पापा, शायद आपका आशीर्वाद है। हमें एक पंडित जी आए अपने आप ही हाथ पकड़ के लेके, आओ अम्मा आओ, और हमें मंदिर के एक एक कोना कोना, मतलब मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, मंदिर के एक खंभे में जो भगवान शिव हैं और परशुराम ने, ये 2000-3000 साल पहले परशुराम जी ने ये मंदिर बनवाया था, हर चीज़ के हमें दर्शन कराए, ये माँ का प्रसाद है। हम फिर जाने लगे, फिर हमें रोक लिया, नहीं अभी 2 मिनट में बस माँ की आरती होगी, मंदिर बंद होने वाले, माँ की आरती होगी, आप आरती करो। हमें यहाँ माँ है और यहाँ हम हैं, हमें बिठा दिया और ये माँ का प्रसाद हमें दिया है। मैं बस आई एम ग्रेटफुल, और कुछ तो मैजिकल है हमारे साथ, ईश्वर का आशीर्वाद है। एंड आई एम सॉरी गॉड अगर हम कभी किसी छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रह जाते हैं तो, बिकॉज ये लाइफ है, कभी कभी वो छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, बट जब इस तरह की जगह पर आते हैं तो लगता है कि बस सब मिल गया। एंड मैं सच में अपने मॉम डैड को थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरे मॉम डैड बहुत ग्रेट होंगे तभी उनकी बेटी के साथ ऐसी ग्रेट ग्रेट चीज़ें होती हैं। एंड थैंक यू टू मेरी जान, मेरे हस्बैंड अनुराग, थैंक यू आप मुझे यहाँ लेकर आए, और आज हम कन्याकुमारी में हैं, साक्षात माँ पार्वती के पास बैठे हुए हैं। जय माता दी, जय माता दी।